हो गई होंगी कि इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी जो है वो एक बड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव है, या बिगर, एक बिगर कंसेप्ट है, और उसमें क्रिएशन ऑफ आईसीटी जो है एक पार्ट है उसका। सबको क्लियर हो गई ये बात? फीडबैक, आई नीड फीडबैक। यस मैम, यस हाँ यस ठीक मैम। है, ओके, सो लेट अस प्रोसीड। अब क्या है कि तो जो हमारा आईसीटी इंटीग्रेशन जो है, जो जो कि मैं हम लोग वी वर टॉकिंग अबाउट, उसमें क्या सबसे द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। व्हाट मीन्स व्हाट इज द पर्पस फॉर बिहाइंड इट, हम क्यों आईसीटी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देन थीम एंड टॉपिक टू बी कवर्ड, एंड देन कंसेप्चुअलाइजेशन की ओके। सो हर टॉपिक के लिए हर समय में भी आईसीटी का इंटीग्रेशन जरूरत नहीं है वो उस चीज की, बट देर आर टॉपिक्स जहाँ पे कि आईसीटी का इंटीग्रेशन एनहांस करता है उसके अंडरस्टैंडिंग को। तो वो हमें देखना होगा कि जस्ट नॉट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, कि बस करना है हमें आईसीटी का इंटीग्रेशन इसलिए हम कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। रादर हमें एक वो होना चाहिए कि हम कैसे, कौन कौन से टॉपिक में क्लियर आइडिया होना चाहिए हमारे पास। देन नेक्स्ट इज व्हाई, सो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट, एंड व्हाट इज द एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग लर्निंग। सो अब जैसे अभी मैंने कहा कि हमें एग्जैक्टली व्हाई डू वी नीड टू डू इट, तो थोड़ा अगर कोई मुझे आप चैट बॉक्स में लिखिए कि क्यों हम आईसीटी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। अभी 2 दिन पहले भी आप लोगों के सेशंस हुए हैं, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए कोई भी आप लोग टाइप कि व्हाई डू वी नीड इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी। एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इट, नीड ऑफ द आर, ओके, सो व्हाई इट इज द नीड ऑफ द आर। अच्छा, आईसीटी इज गेनिंग करेंसी टू एनहांस लर्नर्स एनवायरमेंट, ओके, टू इंक्रीज एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। हाँ, सो आई थिंक गेनिंग करेंसी और नीड ऑफ द आर जो है वो एक सेकेंडरी, एक सप्लीमेंट्री कह सकते हैं कि वो इम्पोर्टेंस है उसकी। हम निगेट नहीं कर सकते हर चीज को, बट यस, बट द मेन इम्पोर्टेंस इज टू एनहांस लर्नर्स इन्वॉल्वमेंट और उनका इंगेजमेंट, कंक्रीटिंग आइडियाज, देन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग, ओके, मेक इट, देन वेरियस सोर्स ऑफ नॉलेज हेल्प इन सेलेक्टिंग द करेक्ट एज अ करेक्ट थिंग बिकॉज इट इज करेंटली द न्यू मोड ऑफ इंटरेक्शन। सी ऑल दीज न्यू मोड ऑफ इंटरेक्शन, वाई एंड वाई वी हैव सडनली स्विच्ड ओवर टू इट, एंड वाई, क्या उसका कुछ बेनिफिट भी है या हमने ऐसे ही कर गई, क्विक असेसमेंट। हाँ, सो ऑल दीज थिंग्स बच्चों को सीखने से में रुचि जागृत करना, जी ठीक है। हाँ, सो ये सारे जो आप लोगों ने बताए मुझे, वो सारे पर्पस हैं कि क्यों हम आईसीटी का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, कि कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम ऐसे समझा नहीं पाते हैं। ये सब सारी चीजें हैं कि अब एक साथ बहुत सारे लोगों को हम रीच कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ दिल्ली एनसीआर में, बट आई एम कनेक्टेड टू ऑल ऑफ यू, कि कहाँ कहाँ अलग अलग स्टेट्स हैं, सो एक साथ इतने सारे लोगों से हम कनेक्ट हो सकते हैं। फिर एक है कि थोड़ा इसमें इकोनॉमिकल भी होता है, जैसे अगर इंटरनेट वगैरह ऑलरेडी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ये सब चीजें हैं, तो अब आपका आना यहाँ पे एंड आप सबका आना, फिर रुकना यहाँ पे, राइट, फिर आप वापस जाते, सो टाइम भी हमारा बचाता है, मनी भी बचाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं ऐसे, या समझ में आ रही है बट थोड़ा और एनहांस करना उनकी अंडरस्टैंडिंग को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वुल्कैनो पढ़ा रहे हैं, वुल्कैनिक इरप्शन, तो अगर हम उसका कोई वीडियो दिखा देते हैं स्टूडेंट्स को, या सुंदर फोटोग्राफ्स, कलरफुल, तो उनको ज्यादा वो उसको अच्छे से समझ पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे, या प्लेट मूवमेंट जो है उनपे कुछ एक वीडियो दिखा दें उन्हें, तो उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देन सिमिलरली अगर हम किसी नेचुरल डिजास्टर की बात कर रहे हैं, तो उन सब का जो सोशल सोशल इम्पैक्ट जो होता है उन चीजों का, तो अगर हम उस पर एक वीडियो दिखा दें, या फेमिन के बारे में बात कर रहे हैं हम, कि कभी ऐसे सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई, ये सब चीजें हो गई, तो मैम, उसका योर जो, वॉइस इज इंटरप्टिंग. प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो सो दैट इट विल. अच्छा सबको ऐसे आ रहे आवाज, सबको इशू है वॉइस में? नो मैम, क्लियर ऑन माय साइड. ठीक अच्छा मैम, तो यानी आ रही है आपका मैम, क्लियर आ इंटरनेट रही का, है. ठीक
क्लियर आ रही है ना? जी हाँ तो फिर मैम आपका एक बार इंटरनेट का थोड़ा देखना पड़ेगा। सो ये है कि जैसे कहीं पे ड्रॉट है, फेमीन है, या फ्लड आया, तो उसका सोशल इम्पैक्ट जो होता है कि कैसे फिर जो अलग अलग सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के लोग थे उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, कैसे कौन अफेक्टेड हुआ। तो अगर हम इसको विजुअली अगर दिखाएंगे, कोई वीडियो दिखा के आए, तो आई थिंक ये ज्यादा हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स को समझने के लिए कि क्या प्रॉब्लम थी। जैसे हम अगर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं, तो उसपे जो पुराने वीडियोज अगर हमें कहीं से मिल जाते हैं, सो इफ यू शो देम, तो इट इज ऑलवेज यू नो easier for them to understand कि क्या सिचुएशन थी उस समय, एंड कैसे मतलब किस तरह से लोग, क्या पहनावा होता था उनका, किस तरीके का उस समय कल्चरल सेटअप था, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे थे। तो ये सब चीजें जो है वो हेल्पफुल होती हैं ज्यादा विजुअलाइज करने में और समझने में। देन नेक्स्ट इज फॉर हुम। तो फॉर हुम में कि टारगेट ग्रुप क्या है, हमारा ऑडियंस क्या है, स्टूडेंट्स हैं कि टीचर्स हैं कि टीचर एजुकेटर्स हैं, ये सारे लोग जो हैं वो ये हमें समझना जरूरी है। उसी हिसाब से हम उसी तरीके का ई कंटेंट जो है वो क्रिएट करके और यूज कर सकते हैं। एंड फॉर विच मतलब टारगेट एरिया या सब्जेक्ट जो है कि किस सब्जेक्ट का है, या लोकैलिटी कौन सी है, तो हम उस टाइप की, अगर हम वो सेमी रूरल सॉरी सेमी अर्बन या रूरल एरिया के बच्चों को आईसीटी इंटीग्रेशन दिखा रहे हैं, और हम एकदम हर बार उनको बहुत ही अर्बन और बहुत फॉरेन लोकेशन की चीजें दिखाएंगे कल्चरल कल्चर से रिलेटेड, तो उनको वो शायद रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो वो चीजें हमें ध्यान में देनी है, लैंग्वेज क्या वो बोलते हैं वो ध्यान में देनी है, कि अगर हम रूरल एरिया में बच्चे या रीजनल लैंग्वेज को यूज करते हैं और हम उनको इंग्लिश का ई कंटेंट दिखा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है व्हाइल वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट आईसीटी इनटू टीचिंग लर्निंग। इट शुड नॉट गो पैरेलली, रादर उसको ऐसा होना चाहिए कि वो एकदम एक्चुअली जो है इंटरवोवन, जिसको हम कहते हैं कि जब हम कोई चीज गुथते हैं या बुनाई करते हैं, तो वो उसमें एक दूसरे से जो धागे होते हैं वो इंटरवोवे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ऐसे इंटरट्वाइंड होते हैं कि आप उनको अलग नहीं कर सकते। तो वैसे ही जब हम टीचिंग लर्निंग में यूज करें आईसीटी का, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आईसीटी अलग बस ऐसे नाम के लिए हमने यूज कर दिया, बट इट शुड बी इंटीग्रेटेड इंटू आर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और ये जो है जैसे हम क्लास में बोर्ड पे ड्रॉ करके, और जब हम एक्सप्लेन करें किसी चीज को, तो हम बोर्ड पे ड्रॉ करके और उसके बाद फिर उनको बताते हैं, तो जो ड्राइंग होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, मतलब वो जैसे जैसे हम एक्सप्लेन करते जाते हैं, तो हम अंडरलाइन करके उसमें एरो बना के लिख के हम उसको ड्रॉ कर करके दिखाते जाते हैं एक बार। तो वैसे ही होना चाहिए आईसीटी का इंटीग्रेशन भी, एंड इट शुड नॉट बी लाइक कि डायग्राम कुछ और है हम बता कुछ और है। तो वैसे ही इसमें भी नहीं होना चाहिए कि आईसीटी इंटीग्रेशन हमने बस दिखा दिया, उसका कोई कनेक्शन नहीं है व्हाट विद द टॉपिक। सो दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड वाइल यूजिंग आईसीटी। सो एंड द टूल यूज्ड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि टाइप ऑफ रिसोर्स मतलब हम ऑडियो रिसोर्स यूज करें कि वीडियो करें कि ग्राफ है कि चार्ट है, तो ये सब सारी जो चीजें वो हमें ध्यान में देनी है कि कौन से टॉपिक के लिए किस टाइप का ई कंटेंट जो है वो हेल्पफुल है। और फिर जो टूल्स यूज करते हैं, कि बहुत सारे टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं, तो कौन सा हमें टूल यूज करना है वो भी इम्पोर्टेंटली हमें देखना है। समिंग अप, चार क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, व्हाट व्हाई फॉर होम एंड हाउ, ये चीजें हमें ध्यान में देनी, और ये किसी भी सब्जेक्ट में आईसीटी के इंटीग्रेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये चार क्वेश्चंस को समझना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेज और नेक्स्ट टॉपिक, जो उसके बाद हम करेंगे, कि इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी की, जिस बारे में हमने बात की, अब इसका जो है एक हम ऐसा कहते हैं कि एक फीडबैक मॉडल है, वो मॉडल जो है बहुत कॉमनली यूज होता है, एंड इट डिस्क्राइब्स काइंड्स ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड बाय टीचर्स फॉर सक्सेसफुल इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग। सो कोई भी जो आईसीटी का इंटीग्रेशन कर रहा है, वो जो है उसका ऐसा कहते हैं, मानते हैं कि उसके पास तीन तरह के नॉलेजेस जो है वो इम्पोर्टेंट है होना।
So that person should be equipped with three kinds of knowledges. One is technological knowledge, second is content knowledge, and third is pedagogical knowledge. So technological knowledge में जैसे हमें पीपीटी बनाने आनी चाहिए, हमें ऑडियो रिकॉर्डिंग करने आनी चाहिए, वीडियो. अब तो जब से स्मार्टफोन आ गया है तब से ये चीजें बहुत आसान हो गई, हम सब कर लेते हैं. बर्थडे पार्टी का रिकॉर्ड करें, कहीं घूमने जाते हैं तो रिकॉर्ड करते हैं, राइट. सो वो दैट इज इम्पोर्टेंट. और इसके लिए टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि हमें आईटी प्रोफेशनल होना है, बट रादर कि थोड़ी चीजें जो अभी आपने सीखी हैं 2-3 दिनों में वो हमें आनी चाहिए, कि थोड़ा एडिट करना आना चाहिए, रिकॉर्डिंग करनी आनी चाहिए, थोड़ा अच्छे से एनहांस करके कैसे कर सकते हैं, वो थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए. कंटेंट नॉलेज तो हमारे पास ऑलरेडी होता है कि हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि वो कंटेंट नॉलेज जो है वो रहेगा. देन पेडागोजिकल नॉलेज, पेडागोजी इज लाइक द वे वी अप्रोच, और वो वी टीच अ पर्टिकुलर टॉपिक. तो वो जो द आर्ट ऑफ टीचिंग जिसको कहते हैं, या टीचिंग लर्निंग जिसको कहते हैं, तो उसमें हम कैसे किसी टॉपिक को डील कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है. तो ये तीनों चीजें जो हैं, तीन तरह के नॉलेज का इंटीग्रेशन मेक्स अ गुड ई कंटेंट क्रिएटर और जनरेटर. देन टाइप्स ऑफ ई कंटेंट, जैसे अब हम बात कर रहे थे कि हमने किया कि एंड हाउ वी हैव टू इंटीग्रेटाइज, तो उसमें हमने बात की कि किस तरह का ई कंटेंट होना चाहिए. तो अब क्विकली, जैसे हालांकि ये आपने पहले भी अभी 2-3 दिनों में भी आपने जाना होगा कि ई टेक्स्ट, इमेज, ग्राफ, चार्ट, मैप, डायग्राम, ऑडियो, वीडियो, इंटरैक्टिव, इंफोग्राफिक, ये सारी चीजें जो है ये ई कंटेंट बनाती है. एंड बेसिकली व्हाट इज ई कंटेंट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी कंटेंट है वो ई कंटेंट है. थोड़ा फैंसी लगता है बट सुनने में कि अच्छा ई कंटेंट, जैसे लगता है कि ओके समथिंग ग्रेट, बट एक्चुअली जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एनीथिंग, जैसे टेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया तो वो ई टेक्स्ट हो गया, वो एक ई कंटेंट हो गया. इमेज है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया तो वो एक ई कंटेंट हो गया. तो ये सब चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब ये सब तरह के ई कंटेंट है जो भी हम लोग यूज कर सकते हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. नेक्स्ट इज, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंफोग्राफिक. कई बार हम इंफोग्राफिक नहीं समझ पाते कि क्या है. सो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटेड विद हेल्प ऑफ ग्राफिक्स. सो वेयर इज द यूज ऑफ ग्राफिक्स फॉर डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. तो जैसे ये है एक कि हमने इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय, जिसमें मैंने दिखाया है कि क्या क्या इम्पोर्टेंस, ये जैसे एक सिंपल बुलेट पॉइंट्स में हो सकता था, बट मैंने इसको थोड़ा इंफोग्राफिक के फॉर्म में दिखा दिया. न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में भी कई चीजें पाई डायग्राम के फॉर्म में, या कुछ बीच में कुछ बना होता है उस टाइप की चीजें वो दिखा के, और हम किसी भी इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं. आजकल आप दिल्ली एनसीआर की कहीं न्यूज देखेंगे तो आप जरूर उसमें, या कहीं भी और भी बड़े शहरों का देखेंगे तो आप जरूर एयर क्वालिटी इंडेक्स का आपको इन्फोग्राफिक के फॉर्म में न्यूज़पेपर में मिल जाएगा आपको. या टीवी पे भी जब न्यूज दिखाते हैं तो कई बार एक यूज इन्फोग्राफिक फॉर रिप्रेजेंटिंग द डेटा, तो टू मेक इट लिटिल, क्यों करते हैं ऐसा, क्यों? क्योंकि वो बोरिंग हो सकता है ऐसे देखने में. डेटा 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 ऐसे टेबल आपको दिखा दें और उसके अलावा, उसके बदले वो अगर ग्राफ वगैरह बना के दिखाते हैं या मैप पे दिखाते हैं कि कौन कौन सा पार्ट जो है ज्यादा पॉल्यूटेड है, स्मॉग है, तो वो जो है वो ज्यादा हेल्पफुल होता है समझने में. या आपको इंडिया के मैप पे आप दिखा देंगे दिल्ली एनसीआर पे, वहां पे ऐसा रेड ब्लिंक करता हुआ दिखा देंगे, और फिर दिखाएंगे कि हरियाणा और पंजाब में बेसिकली अभी ज्यादा इंसिडेंसेस हो रहे हैं वो पराली जलाने के, मतलब वो जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है उसको जलाने के, और फिर जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है इस समय दिल्ली एनसीआर की, वो भी ऐसे हाई प्रेशर एरिया रहता है, तो यहाँ से वो एयर जो है वो बाहर की तरफ नहीं जाता. तो इन सब चीजों को मैप के थ्रू, डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं तो वो ज्यादा समझ में आता है किसी को. तो ये इन्फोग्राफिक्स जो है वो भी यूज करते हैं वाइडली आजकल किसी भी इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए. अब हमने इंटीग्रेशन की बात कर ली कि अच्छा, हमने चार क्वेश्चन समझ लिए, हमने टीपैक मॉडल समझ लिया, हमने टाइप ऑफ ई कंटेंट समझ लिया. नाउ वी आर कमिंग टू डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट. ये जो है वो एडी मॉडल के थ्रू हम शो करते हैं. इट्स अ वेरी पॉपुलर मॉडल टू शो द जेनरिक प्रोसेस ट्रेडिशनली यूज बाय इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स एंड ट्रेनिंग डेवलपर्स. तो ये आप लोगों ने, कई लोगों ने, सब सब जानते होंगे आप लोग एडी मॉडल, कि ये प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है ये, या
ट्रेडिशनली यूज्ड इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स का एक वो है मॉडल है कि ए स्टैंड फॉर एनालिसिस, डी स्टैंड फॉर डिजाइन, सॉरी एनालाइज, डिजाइन, देन डेवलप, देन इम्प्लीमेंट एंड देन इवेल्युएट। ये पांच प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू हम किसी भी ई कंटेंट को डेवलप करते हैं। नाउ द मेन अनदर मेन पार्ट इज लाइक द टूल्स जिनके बारे में बात करी थी। अब ये हमने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जान लिया इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी का एंड कंटेंट क्रिएशन का। अब नाउ कमिंग टू द टूल्स दैट वी यूज, सॉफ्टवेयर और ये सब चीजें जो हम यूज करते हैं उनको हम टूल्स कहते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द लिस्ट ऑफ लिस्ट वेयर वेरियस टूल्स हैव बीन लिस्टेड फॉर वेरियस सोशल साइंस सब्जेक्ट्स। और इनके अलावा भी आप यूज कर सकते हैं। और ये जो है बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आप एक्सप्लोर, ये कुछ है जो मैंने यूज किए हैं, मैं यूज करती हूँ और थोड़ा इजी टू यूज है। देर आर एन नंबर्स ऑफ टूल्स अवेलेबल दीज डेज फॉर वेरियस यू नो सब्जेक्ट्स एंड इफ यू एक्सप्लोर। तो इसमें से कई जो है मैं फ्री और एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी हैं, कुछ फ्रीली जो वेबसाइट्स हैं उनको भी यूज कर, वो सब मैंने इसमें डाले हैं। और कई जो है उसमें कुछ पार्ट्स जो है वो कुछ फीचर्स फ्री में हैं एंड यू कैन सब्सक्राइब और पे करके, आप सब्सक्रिप्शन से भी होता है एंड देन इफ यू पे देन उसके बाद फिर उससे भी आप और डिटेल में उनके फीचर्स यूज कर सकते हैं। तो ये दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर जस्ट लिस्टेड आउट। आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं एज पे योर चॉइस। सो लेट अस स्टार्ट विद वन ऑफ द टूल्स दैट इज भुवन। भुवन इज एन इंडिजिनसली डेवलप्ड जियो पोर्टल एंड डेवलप्ड बाय इसरो एंड इट हैज लॉट्स ऑफ डेटा एंड फीचर्स ऑलरेडी क्रिएटेड मैप। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द ऑप्शंस और सेलेक्ट करना आपको डेटा, और वो ऑलरेडी मैप वगैरह बना के इसमें दे देते हैं। एंड इट हैज अ ह्यूज पूल ऑफ डेटा रिगार्डिंग फॉरेस्ट, क्लाइमेटिक यू नो फैक्टर्स, डिजास्टर्स, देन और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फॉरेस्ट तो मैंने बताई, द पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा है, बहुत सारे डेटा है इसमें दिया हुआ, वेदर कंडीशन से रिलेटेड है, लैंड यूज, लैंड क्लासिफिकेशन है, इन सब चीजों लेकर बहुत सारा, लैंड डिग्रेडेशन, देन फ्लड प्रोन एरिया, यू नो ड्रॉट प्रोन एरिया, ये सब चीजों की बहुत सारा इसमें डेटा है, सारा कुछ गवर्नमेंट का है। इट्स फोकस्ड ऑन इंडिया, तो इंडिया का जो है उस पे फोकस करके है। तो यू विल गेट ऑल द गवर्नमेंट का जो डेटा जो रिलीज होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। देन देर इज मार्बल केडी। केडी इज अ कम्युनिटी दैट जनरेट्स फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड मार्बल इज द नेम ऑफ द मेन टूल दैट इज देयर। एंड दिस इज ऑल्सो दिस इज यूज फॉर सोशल साइंस सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, पोलिटिकल साइंस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, जोग्राफी के लिए भी यूज कर सकते हैं। 3D में जूम करके आप मैप देख सकते हैं, सॉरी ग्लोब के फॉर्म में देख सकते हैं। भुवन में भी 2D 3D ग्लोब के फॉर्म में भी आप देख सकते हैं, आपको इसमें भी देख सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें भी आप, देन भुवन में भी जूम कर सकते हैं, इसमें भी जूम कर सकते हैं, स्ट्रीट व्यू मतलब एकदम स्ट्रीट लेवल तक आप देख सकते हैं। मार्बल में ऑलरेडी क्रिएटेड कई मैप्स होते हैं लाइक 1492 का और 1800 समथिंग का मैप है उसमें। तो व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग कि क्या क्या जो कैसे कंट्रीज जो थी, क्या सेटअप था उस समय, स्ट्रैटेजी क्या, पार्टनरशिप थी क्या, मतलब लोकेशन कैसे डिवाइडेड थे कंट्रीज वगैरह, तो जब आप वो सब एक्सप्लेन करें यू कैन ओपन दैट मैप एंड ऑलरेडी क्रिएटेड है उसमें, आप उसमें कुछ बना भी सकते हैं खुद से। तो ये है। देन गूगल अर्थ है। गूगल अर्थ हो सकता है हम में से कई लोगों ने यूज किया हो। इट्स ऑल्सो वेरी रिच रिपोजिटरी ऑफ यू नो वेरियस ई कंटेंट ऑलरेडी जनरेटेड है इसमें। एक तो आप 3D मोड में दिखा भी सकते हैं एंड अदरवाइज ऑल्सो इट हैज अ रिच रिपोजिटरी ऑफ फोटोग्राफ्स, यू नो छोटी क्लिपिंग्स हैं, वीडियो क्लिपिंग्स हैं और बहुत ही सुंदर HD फॉर्म में है, तो आप उनको भी यूज करके दिखा सकते हैं क्लास में। और उनको एक तो फिर इसमें तो इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, तो अगर आपके क्लास में इंटरनेट अवेलेबल है तो आप उनको उसी समय खोल के दिखा सकते हैं। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज
आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके व्हेन यू आर ब्राउजिंग थ्रू इट, आपने वो खोला गूगल अर्थ और वॉट एवर यू वॉन्ट टू शो इट टू देम, आप उस फीचर को वो चीज दिखा, मतलब स्क्रूल आप खुद ही देख रहे हैं और आपने वॉइस ओवर उनको समझा, जैसे आप समझाते हैं क्लास में वैसे समझाते हुए आप एक एक चीज एक्सप्लेन कीजिए। और बिफोर दैट आप क्या कीजिए कि कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो भी एक जेनरिक टूल है, तो स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करके आप वो जो भी आप उसमें दिखा रहे हैं वो आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिए, आप बोलते रहेंगे तो साथ में वो आपका ऑडियो भी उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो फिर उसके बाद उसको वीडियो के वो रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, एक्सपोर्ट कर लीजिए और फिर वो वीडियो के फॉर्म में आप वो जनरेट हो जाएगा। तो आप फिर उसको अपने स्टूडेंट्स को वैसे भी दिखा सकते हैं वीडियो बना के, तो वो भी कंटेंट बन सकता है। और ऑलरेडी इसमें फोटोग्राफ्स वगैरह जैसे मैंने बताया एग्जिस्ट करते हैं। देन नेक्स्ट इज QGIS, QGIS इज अगेन सॉफ्टवेयर फॉर ज्योग्राफी, और इसमें ये भी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और इसमें GIS एज इट नेम सजेस्ट, देन इसमें मैप्स बना सकते हैं, इसमें स्ट्रीट व्यू डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब चीजें उसमें कर सकते हैं। देन मैपचार्ट.नेट एक है ऐप, सॉरी एक टूल है, आप इसको जब करेंगे तो इसमें इंटरैक्टिव मैप्स आप बना सकते हैं कि एक एक करके आपने स्टेट्स इंक्लूड कर दिए, फिर आप उसको रिमूव कर रहे हैं, ये सब चीजें आप इसमें कर सकते हैं। ट्रोफी इज अनदर सॉफ्टवेयर, सॉरी मतलब प्लेटफॉर्म है ट्रोफी, बेसिकली ये है आपका व्हाट यू कैन कॉल इट इज एन ऑनलाइन रेपोजिटरी और एल्बम इसको कह सकते हैं, जिसमें आप फोटोग्राफ्स स्टोर कर सकते हैं बहुत सारे, एंड यू कैन यूज इट फॉर योर ओन रिसर्च और आप शो करने के लिए भी। सो आप ये कह सकते हैं कि एक ऑनलाइन लैब एल्बम है जिसमें आप फोटोग्राफ स्टोर कर सकते हैं, यू कैन शेयर ऑल्सो। देन विस्मे, फ्यूजन चार्ट्स, गूगल चार्ट, ये जो तीन टूल्स हैं मैंने एक साथ लिख दिए हैं, ये इकोनॉमिक्स के लिए या ज्योग्राफी में या किसी और सब्जेक्ट में भी आप यूज कर सकते हैं, ये चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए ना इसमें अच्छे से आप यू कैन यूज इट किसी भी सब्जेक्ट में, सोशियोलॉजी में, पॉल साइंस, किसी भी चीज में, कॉमर्स वालों के लिए भी यूजफुल होगा अगर आप इसमें अगर आप चार्ट्स वगैरह ग्राफ्स वगैरह बनाना चाहते हैं। सो दीज आर द थ्री टूल्स, विस्मे, फ्यूजन चार्ट्स एंड गूगल चार्ट, स्पेशली फॉर डेटा हैंडल करने के लिए, हाउ टू डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। देन इट इज देन नेक्स्ट इज windy.com, windy.com ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप रियल टाइम वेदर कंडीशंस जो हैं वो आप शो कर सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या चल रहा है वो, एंड उसमें रियल टाइम मतलब अभी एग्जैक्टली अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशंस चल रहे हैं अभी, वेदर कंडीशन बेसिकली वो आप देख सकते हैं उसमें। देन स्टेलारियम है, ये भी एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और इसमें आप वर्चुअल रियलिटी मतलब वर्चुअली कैसे आपका एटमोसफेयर दिखता है रियल टाइम, अभी जो भी स्काई का व्यू आप ले सकते हैं, अभी दिन में तो हमें तारे नहीं दिखते बट स्टेलारियम के जो आप दिन में भी तारे देख सकते हैं, एंड प्लैनेट्स वगैरह का जो भी सेलेस्टियल बॉडीज है उनकी पोजीशन क्या एग्जैक्टली, जैसे अभी मैं उसमें इफ आई शेयर द लोकेशन विद देम तो वो एग्जैक्टली अभी मैं जहाँ बैठी हूँ उसके ऊपर मुझे आसमान में क्या क्या प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, ये सब चीजें जो है वो मुझे मैं दे पता कर सकती हूँ। और इसका ऐप भी है और यू कैन डाउनलोड इट एंड यूज इट इन एनी iOS में या फिर उबंटू में या फिर ये विंडोज में किसी में भी आप यूज कर सकते हो, मोबाइल पे भी आप एंड्रॉइड वर्जन या जो भी iOS है वो सब सब चीजों में आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और जिन लोगों को इंटरेस्ट है देखने का एस्ट्रोलॉजी का सॉरी एस्ट्रोनोमर बनने का या फिर इन सब चीजों से रिलेटेड, तो एस्ट्रोनॉमी का तो पोजिशंस ऑफ स्टार्स प्लैनेट्स इन सब चीजों का तो दे कैन यूज इट मोबाइल से भी, अच्छा लगता है देखने में, इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली सिंपल ऐप भी है इसका। देन यू हैव सुटोरी, सुटोरी इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि लेसन प्लान्स इसमें होते हैं बहुत सारे और अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टॉपिक्स के, हाउ टू रीच दैट टॉपिक, सो दैट इज देयर लेसन प्लान्स आपके दिए हुए हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं, आप भी अपने लेसन प्लान उनके साथ शेयर कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक को किस तरीके से यूज कर सकते हैं और अच्छे इंटरेस्टिंग इनोवेटिव तरीके से। देन यू हैव फ्लाइट रडार 24.com, और इसमें जो है रियल टाइम फ्लाइट
फ्लाइट्स के मूवमेंट्स, फ्लाइट ट्रैफिक, इन चीजों को हम देख सकते हैं। और इट इज गुड फॉर ट्रैवल एंड टूरिज्म जब हम पढ़ा रहे होते हैं, या टाउन प्लानिंग करने के लिए, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए। तो ये इनको हम यूज कर सकते हैं जस्ट टू सी कि फ्लाइट ट्रैफिक कितना है कौन से शहर में। और जितना बड़ा शहर होगा, जितना वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी या टूरिस्ट प्लेस होगा या कुछ भी, तो वहाँ पे ज्यादा फ्लाइट ट्रैफिक होगा, बिकॉज मोर एंड मोर पीपल विल बी कमिंग एंड गोइंग फ्रॉम दैट प्लेस। तो ये रियल टाइम होता है, तो अच्छा लगता है देखने में, मजा भी आता है। इन जनरल भी कई लोग यूज करते हैं उसको। देन देयर इज गूगल आर्ट्स एंड कल्चर। इसमें गूगल आर्ट्स एंड कल्चर में बहुत सारे हिस्ट्री से रिलेटेड, सोशोलॉजी से रिलेटेड, बहुत सारे हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में, हिस्टोरिकल इंसिडेंसेस के बारे में, पेंटिंग्स हैं, म्यूजियम के 360 डिग्री व्यू है। आप म्यूजियम्स का टूर आप ले सकते हैं। बहुत सुंदर इसमें कल्चर के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स हैं। एंड जब पेंटिंग्स के बारे में मैं कह रही हूँ, तो पेंटिंग्स हम यूज करते हैं कई बार कल्चरल सेटअप उस समय देखना। पहले तो फोटोग्राफ्स होते नहीं थे या डिजिटल फॉर्म में, तो लोग पेंटिंग्स बनाते थे उस समय। तो उनका अटायर क्या है, मतलब किस तरह के कपड़े पहने हैं, किस तरह का कल्चर था। माइकल एंजेलो के और बहुत सारे लोगों के पेंटिंग्स जो एंशियंट, या राजा रवि वर्मा इंडिया के जो हैं, और भी बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं, उनको उनको यूज करके हम पढ़ते हैं कि अच्छा उस समय में इस टाइप का सेटअप था, पेंटिंग में ये चीजें दिख रही हैं। तो वो यूज करते हैं हम कल्चरल हेरिटेज जाने के लिए और ये सब। देन यू हैव गूगल कार्डबोर्ड। गूगल कार्डबोर्ड जो है वो बहुत पहला है, सबसे पहला कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस हुआ था वर्चुअल रियलिटी का, जो ऐसे हेडसेट लगा के देखते हैं। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कार्डबोर्ड का, एक तरह का फ्रेम था और कार्डबोर्ड में ऐसे कुछ मिरर वगैरह लगा था एंड लेंस वगैरह लगा था, और मोबाइल डाल करके, और उसमें वो वर्चुअल रियलिटी की फीलिंग इसमें देते थे। और तब चीप होता था, उसका एक ऐप होता था उसको डाउनलोड करके मोबाइल में। अब तो बहुत सारे हेडसेट्स आ गए हैं, चीप भी आते हैं, तो अब वी कैन यूज दैट ऑल्सो। बट दिस इज ऑल्सो अ टूल। देन अदर जेनरिक टूल्स लाइक ऑडासिटी, ओपन शॉट वीडियो एडिटर, इजिली, कैनवा, एनिमेशन टूल्स एटसेट्रा, जो अभी आप लोगों ने, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू ऑल दीज टूल्स इन 2-3 डेज, तो आपने ये सब जाना है। सो यू कैन यूज ऑल दीज टूल्स ऑल्सो टू क्रिएट ई कंटेंट, अपना कुछ भी आप जनरेट करने के लिए। एंड टू टेल यू, अभी बीच में, अभी मैं याद आ गया मुझे कि ऑल इंडिया चिल्ड्रंस एजुकेशनल ई कंटेंट कॉम्पिटिशन जो है, जो एनसीईआरटी ऑर्गेनाइज करता है, सीआईटी एनसीईआरटी, तो वो उसके लिए भी आई थिंक एडवर्टीजमेंट निकल गया। एंड यू कैन सेंड योर, तो आप अगर सेंड योर एंट्रीज फॉर दैट, एंड अलग अलग स्टेजेस के लिए है, अलग अलग टाइप का ई कंटेंट है कि आप उसमें बना के आप उसमें एंट्री दे सकते हैं। एंड यू कैन विन अ प्राइज फॉर दैट एंड यूज दैट फॉर योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑल्सो। तो ये है। देन कमिंग बैक टू द टूल्स, तो गेम्स भी बहुत आजकल यूज करते हैं इवेल्यूएशन के लिए हम लोग। अच्छा, समबडी यूज भुवन, गूगल अर्थ, स्टेलारियम एंड गूगल आर्ट एंड कल्चर, ऑडासिटी एंड कैनवा। ओके, गुड सर। सर हैज ऑलरेडी यूज दीज टूल्स, सो गुड इनफ। सो यू कैन ट्राई आउट फ्यू मोर ऑल्सो। तो गेम्स जो है वो आजकल बहुत यूज हो रहे हैं, और एनईपी भी इसको कहता है यूज करने के लिए, NEP 2020 है। पहले भी एनसीएफ वगैरह में इन बातों को थोड़ा जिक्र किया गया था, नाउ इट इज मोर एम्फसाइज नाउ कि गेम्स वगैरह जो है वो यूज कर सकते हैं फॉर इवेल्युएटिंग एनी टॉपिक, लर्नर्स को इवेल्युएट करने के लिए। वे पीपल आर जनरली लर्नर स्टूडेंट्स एंड ऑल, सो उनको फन तरीके से कैसे इवेल्युएशन कर सकते हैं। सो गेम्स आर नाउ दीज इज यूज फॉर इवेल्युएशन पर्पसेस इन एन इनोवेटिव मैनर। तो नेशनल ज्योग्राफिक किड्स है, उसमें बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे। जियो गेसर है, ये भी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसमें भी आपको गेम्स मिल जाएंगे, आप क्रिएट भी कर सकते हैं इसमें गेम्स। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर में भी गेम्स हैं, इसमें भी आप तो आप ऐसा कर सकते हैं ना, हाउ टू इंटीग्रेट। अब सवाल है कि गेम्स तो हो गए, कैसे इंटीग्रेट करें। एक तो उनको क्या कर सकते हैं कि आप 15 डेज में या मंथ में एक बार आप कंप्यूटर लैब में ले जा करके उनको ये सब गेम्स कहेंगे, तुम लोग गेम खेलो, ये गेम जो भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। और या तो फिर आप ये कर सकते हैं कि उनको असिस्ट कर सकते हैं, आप खुद से इसमें जा करके और आप गेम जनरेट कीजिए जो टॉपिक्स आपने पढ़ाए हैं, एंड देन यू कैन असिस्ट देम, और उनको ग्रुप में बिठा के
और उनको बोलो कि बोलिए कि आप भी खेलें वो, और उसके बाद फिर उसी हिसाब से इवैल्यूएशन हो उनका। देन सॉन्ग्स आर ऑल्सो देयर ऑन वेरियस टॉपिक्स, जैसे मैंने यहाँ में एग्जाम्पल लिखा है कि मराइस एंड मिरांडा का नेचर सॉन्ग, बैलेंस ऑफ नेचर, हाउ इज सेल्फ मेड, पार्ट ऑफ अ ट्री एटसेट्रा। इस पे ना इन टॉपिक्स पे उन्होंने सॉन्ग्स बनाए थे, बहुत पुराने हैं ये, बट दिस इज दे आर सो गुड। सो वैसे ही आई एम श्योर आपके लोकैलिटी में भी आपके जो फोक कल्चर, फोक सॉन्ग्स होंगे, उसमें भी बहुत सारे ऐसे कुछ फोक सॉन्ग्स आपको मिल जाएंगे जो आपके लोकैलिटी को, आपके एनवायरनमेंट को, आपके कल्चर को वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे जब वो आता है हॉटस्पॉट एक्टिविटी गेम्स बिल्ड इन HYP, यस यस HYP ऑल्सो क्रिएट्स गेम्स। क्या है कि जैसे कि मैंने बोला फोक सॉन्ग्स जो उसमें बहुत सारा कल्चरल सेटअप को दर्शाते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट को दर्शाते हैं, तो जैसे सोइंग के समय, जब जब आप उस समय रोपनी जिसको कहते हैं सोइंग जो होता है क्रॉप्स का, उस समय जो है फीमेल्स जो है वो गाती 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 रहती हैं और रुपाई करती हैं, सो दे सो द सीड्स सीडलिंग्स, उसमें जब धान की खेती जब होती है तब उस समय, तो वो पूरा जो कल्चर है उसको वो सॉन्ग के थ्रू वो उसमें गाती हैं वो। और ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स आई एम श्योर आपकी वो में होंगे कि जो है वो आप जो रीजनल सॉन्ग्स होंगे, फोक सॉन्ग्स होंगे, फोक टेल्स होंगे, उसमें बहुत सारा कल्चर का डिपिक्शन होगा। तो यू कैन यूज ऑल, ये सब चीजें हमारे अराउंड हैं, हमें बस उनको थोड़ा सा ध्यान देकर कैन वी हैव टू यूटिलाइज देम इन आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स विल बी कनेक्टेड टू देयर नेचुरल सराउंडिंग एंड आसपास का जो एनवायरमेंट है, और जो देयर कल्चर से भी रिलेटेड रहेंगे कनेक्टेड, एंड दे कैन ऑल्सो लर्न थिंग्स, वेरियस थिंग्स। सो दिस इज दीज आर द टूल्स। देन आई विल क्विकली गो थ्रू, मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं सो दैट यू कैन गेट लिटिल यूज टू ऑफ दीज टूल्स। ये भुवन का है, और इसमें जैसे मैंने बताया था कि इसमें भुवन 2D है, भुवन 3D है, देन इसमें बहुत सारा ओपन डेटा आर्काइव में बहुत सारा डेटा है, यू कैन डाउनलोड एंड यूज इट, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट है, एंड देन यू हैव दिस भुवन में ही ये एप्लीकेशन स्टोर में ये बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइक ई गवर्नेंस, टूरिज्म, अर्बन रूरल, ये सब। टूरिज्म में आपको बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आइडेंटिफाइड जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑल ओवर द इंडिया वो मिल जाएंगे, एंड इफ यू क्लिक ऑन एनी वन ऐसे ट्राइंगल पे तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा, एंड एक फोटोग्राफ भी उसमें होगा। देन थीमेटिक सर्विसेज, मतलब थीम बेस्ड, जिसमें मैप्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, डेटा एंड मैप्स, ओशन सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्रिएट अ मैप, देन ये सब सारी चीजें हैं और भी फीचर्स हैं। ये है आपका मार्बल KD, इसमें ये देखिए लिनक्स में मार्बल मैप्स, एंड्रॉइड वर्जन, ये सब आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे जो एक वो दिया हुआ इंस्टॉल का, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। देन यू हैव दीज फीचर्स इन मार्बल KD, कि ओपन जनरल पॉलिटिकल मैप है, देन ओपन स्ट्रीट मैप, सेटेलाइट व्यू, बेहेम ग्लोब, 1492 जैसे मैं बता रही थी उस समय का है, अर्थ एट नाइट है, हिस्टोरिकल मैप ऑफ 1689, ये कई बार नहीं मिलता है, मैं एटलस में मतलब ऐसे यूजुअली वी डोंट फाइंड इट। देन यू हैव दिस प्लेन मैप, पॉलिटिकल मैप, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। देन गूगल अर्थ है, इसमें जैसे मैंने बताया कि कुछ फीचर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, इसी में वॉयजर जो है उसमें अगर मैंने क्लिक किया तो ये फीचर उसमें खुलते हैं, ये 3D इमेजरी इन गूगल अर्थ, टाइम लैप्स इन गूगल अर्थ, ट्रेक्स एल कैप्टन, योजमाइट नेशनल पार्क का है, और इसमें भी देखिए बहुत सारे फीचर्स हैं नेचर के बारे में, गेम्स जैसे मैं कह रही थी, लेयर्स हैं, स्ट्रीट व्यू है, कल्चर है, ट्रैवल है, एजुकेशन, ये सारी जो चीजें, इन सब हेड्स पे बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी, फोटोग्राफ्स और छोटे वीडियो क्लिपिंग्स वगैरह, यू कैन यूज इट। देन QGIS जैसे मैंने बताया था कि मैप वगैरह बनाने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देन ट्रॉफी जैसे ही मैंने बताया कि ऑनलाइन आपका फोटो एल्बम कह सकते हैं, इसमें एक्सप्लोर योर रिसर्च फोटोज, इसमें जैसे आप यू कैन स्टोर इट एंड यूज इट, शेयर इट, ये vidi.com है, इसमें आपका रियल टाइम वेदर कंडीशन जो है वो दिखते हैं। सेलारियम है,
इसमें भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, सब डाउनलोड करने के फीचर्स हैं, ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं इसमें। जैसे मैंने बताया था कि रियल टाइम आपका जो हेवनली बॉडीज है, जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनको आप देख सकते हैं, ये प्लैनेट्स, इन सब चीजों को। देन ट्यूटोरी मैंने बताया था कि लेसन प्लान, इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस आप ले सकते हैं, मैंने शेयर किया, किसी और ने शेयर किया, वी कोलैबोरेट एंड वी कैन यूज इट। देन फ्लाइट फ्रीडम 24.com मैंने बताया था, ये जो छोटे छोटे आपको येलो जो आपको दिख रहे हैं, ये फ्लाइट रियल टाइम मूवमेंट फ्लाइट का वो इसमें दिखता है। देन इसमें गूगल आर्ट एंड कल्चर है, ये आप वैसे भी खोल सकते हैं, और अपना ईमेल आईडी जो है जीमेल का, उसमें ये डॉट होता है, उस पर आप जब क्लिक करेंगे, इसी को ड्रॉप डाउन जब आता है तो इसी में आपका गूगल ड्राइव का ऑप्शन होता है, तो उसी में थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे तो यू विल फाइंड गूगल अर्थ ऑल्सो एंड देन आर गूगल आर्ट एंड कल्चर। उसमें जैसे आप देख सकते हैं उसमें फीचर्स हैं लाइक आर्ट कैमरा, देन 360 डिग्री वीडियो, स्ट्रीट व्यू, देन आर्टिस्ट के बारे में, और देन उसके बाद पेंटिंग्स वगैरह हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स है, हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, इन सबके इसमें दिए हुए हैं। दिस इज गूगल कार्डबोर्ड जिसे मैं बता रही थी, और उसमें सॉफ्टवेयर है गूगल वीआर के लिए, गूगल सॉरी अर्थ वीआर, सो वर्चुअल रियलिटी की फीलिंग के लिए आप उसमें से क्लिपिंग्स बना सकते हैं, एंड यू कैन यूज इट फॉर दिस वीआर एक्सपीरियंस। वीआर मतलब वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस। देन एक्सक्यूज कमिंग टू गेम्स, नेशनल ज्योग्राफिक किड्स है, ये खोल आप जब खोलेंगे उसमें तो ये आपको ऊपर में फीचर्स दिखाई देंगे, इसमें गेम्स, वीडियोस, एनिमल्स, एक्सप्लोर मोड और सब्सक्राइब, ये सब सारी चीजें हैं। दिस इज जियो गेसर, इसमें भी आप ये गेम्स वगैरह हैं ये आप इसमें से यूज कर सकते हैं। दिस इज गूगल आर्ट एंड कल्चर, ये होम पेज है गूगल आर्ट एंड कल्चर का, इसमें भी देखिए पिकअप पिक अ गेम टू प्ले, अलग अलग टाइप के गेम्स है, पॉटरी, व्हाट केम फर्स्ट, देन क्रॉसवर्ड्स है, विजुअल क्रॉसवर्ड्स, ओपेरा है, पजल पार्टी, आर्ट कलरिंग बुक, जियो आर्ट वर्क, गेस द लाइन, व्हाट इज हॉपर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इसमें प्ले, एक्सप्लोर, ये सब सारे आप इसमें देख सकते हैं फीचर्स। ओके सो अब ये सजेस्टेड रीडिंग्स है, एक्चुअली सजेस्टेड रेफरेंस, इसमें क्या है, ये ना यूट्यूब लिंक्स मैंने दिए हुए हैं, बहुत सारे जो टूल्स, ये जो टूल्स मैंने बताए इनमें से कुछ टूल्स के आपको वेबिनार, आईसीटी वेबिनार जो है, वेबिनार आईसीटी टूल्स, एनसीईआरटी ऑफिशियल में आप जाएंगे उसकी प्लेलिस्ट में, तो वेबिनार आईसीटी टूल्स हैं, उसमें आपको ना ये टूल्स बहुत सारे उसमें रिकॉर्ड मतलब टूल्स के बारे में एक्सप्लोर करके बताया हुआ है। सो आप अगर आप कभी इसको एक्सप्लोर करना चाहे तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दीज, हिंदी इंग्लिश दोनों में कई सारे टूल्स जो हैं ये उसमें सेशन के फॉर्म में उसमें है, सो यू कैन हैव अ सप्लीमेंट्री, उसमें कभी आप अटके तो आप उसमें देख सकते हैं कि क्या क्या और है, और उसमें ज्यादा अगर ना भी बताया हो तो आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज टाइम लिमिटेशन की वजह से वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी फीचर ऑफ अ टूल, सो व्हाइल यू आर एक्सप्लोरिंग तो आप उसमें और भी चीजें कर सकते हैं। ये कुछ रीडिंग्स है, सजेस्टेड रीडिंग्स जो है, इसमें आप एनसीएफ जो नया वाला है वो भी आप ऐड कर लेंगे, तो ये सब चीजें जो है वो हम कर सकते हैं यूटिलाइज। सो दिस वाज द प्रेजेंटेशन दैट आई वांटेड टू शो इट टू यू, दिस प्रेजेंटेशन विल बी शेयर्ड विद यू, सो नो नीड टू वरी, एंड आई वुड जस्ट लाइक टू शो यू फ्यू टूल्स, मैं इसमें दिखाना चाहूंगी आपको, एक दिखा देती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा खोल के आप मेरे साथ में आप खुद भी उसको खोल के देख सकते हैं। सो भुवन अब मैंने टाइप किया, जो पहला जो ऑप्शन आया वो मैं इसमें दिखा रही हूँ आपको, जैसे कि भुवन 2D पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये देखिए आपका सैटेलाइट व्यू है, और इसमें आप चीजें जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये जूम इन जूम आउट करके, देन इसी से बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, ये थोड़ा इन्होंने चेंज किया है, सैटेलाइट मैप मैंने क्लिक किया तो ये ऐसे आ गया, देन अगर मैंने हाइब्रिड मैप किया तो इसमें नाम वगैरह भी लिखा और डिस्ट्रिक्ट स्टेट बाउंड्रीज भी लिखे हुए आ गए, देन वेक्टर मैप, ये सिंपल ऐसे जो मैप दिख रहा है वो है,
ये सब चीजें इसमें यहाँ पे हाइड्रोलॉजी में आप अगर देखें तो ये जितने भी रिवर्स हैं आप जूम करके देख सकते हैं, यहाँ से जो रिवर्स हैं रिवर बेसिन्स हैं उनके बारे में ये देखिए, बिल्कुल ट्रिब्यूटरीज वगैरह सारी इसमें आपको दिख जाएंगी जितना जूम करेंगे ऑल ओवर इंडिया का, और डिटेल्स इसमें और पता चला जाएंगे। ये सब सारी चीजें हैं आप इसमें अगर फीचर्स में फिर आपने लेयर बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, क्वेश्चंस के बारे में भी है, डेटा वगैरह सब दिया हुआ है इसमें, राइट। सो आप इसको एक्सप्लेन एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसे थोड़ा इन्होंने अपने फीचर्स बदले हैं इसमें। ओके सो मैं ये बंद कर रही हूँ और तुरंत सीडी खोलूंगी तो वो रोटेटिंग दिखाई देगा इसमें। देन वी हैव दिस स्लाइडर है इसमें, बहुत सारे अलग अलग ये देखिए इसमें फीचर्स दिए हुए, सब में डेटा आपको मिल जाएगा। और टूरिज्म जैसे मैं कह रही थी इसमें आर्कियोलॉजी में अगर मैंने क्लिक किया तो इसमें आपको ये देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आइडेंटिफाइड सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं इसमें। और अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये देखिए ये राजस्थान का एक बीकानेर का एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, दिस इज भंडसार जैन टेम्पल, उसका फोटोग्राफ भी दिया हुआ है, थोड़े से उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। तो ये है, मैंने इसको बंद किया, देन ऐसे ही करके ना इसको आप क्लोज कर, नया विंडो ये खुल जाता है इसमें, आप इसमें बहुत सारी चीजें आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि आप इसमें देख सकते हैं। इसको मैं बंद करती हूँ और मैं खोलती हूँ ये सेलेरियम है, इसमें मैं सेलेरियम वेब खोल रही हूँ। ये रियल टाइम अभी मैं नोएडा नोएडा में हूँ तो नियर नोएडा यहाँ पे दिखा रहा है, और ये एकदम से जो आपको फीलिंग आई कि आप एक्चुअली खड़े हैं वहां पे और आपको वो चीजें दिखाई देंगी एकदम आसमान में भी आप एक्चुअली खड़े हैं। अच्छा ये जो है कॉन्स्टेलेशन हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो ये कॉन्स्टेलेशन जो है इसमें आप दिखा सकते हैं उनको, अदरवाइज तो आजकल तो यहाँ तो कुछ दिखता ही नहीं, हमें एक पोल स्टार दिख जाए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं दिल्ली एनसीआर में, और अभी तो स्मॉग में कुछ भी नहीं दिख रहा, मून भी ठीक से नहीं दिखता, तो आप इसमें कॉन्स्टेलेशन तो भूल ही जाइए। तो यू कैन शो इट टू देम कॉन्स्टेलेशन, और जब हम कॉन्स्टेलेशन आर्ट हम कहते हैं कि कोई कोई एक फीचर उसमें बना हुआ आता है, तो हम ये देखिए ये सब जो है वी एक्सप्लेन इट लुक्स ब्यूटिफुल, तो ये हम उनको दिखा के एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे करके, राइट। देन दो उस पर दो बार क्लिक करती तो वो चला जाए, एक बार क्लिक के आ जाएगा फिर उसी पे क्लिक करना है तो वो चला भी जाएगा। अच्छा और इसमें आई एम लुकिंग फॉर सम सैटेलाइट, अभी कहीं शायद मूव नहीं करो, वरना कोई ना मूविंग से ऑब्जेक्ट दिखाई देता है इसमें तो वो सैटेलाइट होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि कौन सा सैटेलाइट है। अभी लास्ट वीक मैं सेशन ले रही थी तो उसमें मैं दो तीन सैटेलाइट दिख गए थे मूव करते हुए, तो यहाँ से ट्रैजेक्टरी अभी होगी नहीं होगी उनकी तो अभी मुझे दिख नहीं रहे। सो एटमोसफेयर का देखें तो वो एटमोसफेयर एक लेयर जो होता है एनवेलप वो दिखता है, देन लैंडस्केप फॉर्म में था वो ही है, ये देखिए मून वगैरह ये इसमें दिख रहा है, जुपिटर सन है, नॉर्थ वेस्ट ऐसे दिखा रहा है। अब आप देखिए इस पे क्लिक कीजिए वेगा, उसके बारे में आपको वेरिएबल स्टार ऑफ डेल्टा SCG टाइप, ठीक है ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। देन आप जुपिटर पे क्लिक कीजिए, जुपिटर के बारे में आपको प्लैनेट है और ये सब सारी चीजें सब आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी, ऐसे तो दिखाई भी नहीं देगा अभी कि आसमान में कि क्या है दिन में, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि स्टेलारियम से जो है दिन में तारे भी आप दिखा सकते हैं किसी को। देन उसके बाद ये मैंने ऑफ किया, सॉरी ये लैंडस्केप, अब ये प्रोजेक्शन जो है वो उसके हिसाब से इक्वेटोरियल ग्रिड प्रोजेक्शन, डीप स्काई ऑब्जेक्ट बहुत ही फार ऑफ है, ये क्या है
प्ले डिस्क जो है ओपन क्लस्टर है, ये उसके बारे में है। ये क्या है, मेसियर है, ये एंड्रोमेडा नेब्यूला है। तो ये जो है ये स्पाइरल गैलेक्सी है, ये इसमें हम देख सकते हैं। जो डीप स्काई ऑब्जेक्ट पे ना वो अलग से एक आ जाएगा आपको, पर मैं एक बार दिखाती हूँ। ये मैंने क्लिक किया तो ये खत्म हो गया, मैंने दोबारा क्लिक किया तो ये उस पर आ गया, ये आइडेंटिफाई हो गया डीप स्काई ऑब्जेक्ट। ये तो आप जो देख रहे हैं ये गैलेक्सी है, ये ऐसे दिखती है गैलेक्सी। अच्छा नाइट मोड जो है वो ये होता है। अब नाइट मोड क्यों होता है, जब हम स्काई में देखते होते हैं, अगर रात में आप देखेंगे तो जो रोशनी से आपकी आंखें ऐसे हो जाती हैं कि यू आर नॉट एबल टू सी। तो अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं कभी, मोबाइल पे देख रहे हैं और स्काई से, मैंने कहा रियल टाइम, तो मोबाइल पे ये डाउनलोड करके अगर आप देख रहे हैं तो आप क्या होगा ना कि आप मोबाइल में देखने के बाद आप फिर ऐसे देखेंगे तो आपको आंखें ऐसे चौंधिया ही रहेंगी मोबाइल की लाइट से, कि यू आर नॉट यू वोंट बी एबल टू सी इट ड्यू टू द मोबाइल का जो रेज निकलता है, लाइट जो उसकी निकलती है। तो इसलिए, या फिर आप लैपटॉप पे देख रहे होंगे या सिस्टम पे, तो यू वोंट बी एबल टू सी रियल, ऐसे ना नेकेड आई से आप नहीं देख पाएंगे। सो इसीलिए नाइट मोड में होता है, सो दैट इसका जो इसकी जो लाइट है वो इतनी ज्यादा ना हो कि आपकी आंखें जो है वो ऐसी हो जाएं कि यू आर नॉट एबल टू सी विद योर नेकेड आई, मतलब आसमान में आप ना देख सके। सो इसलिए ये नाइट मोड यूज होता है उसके लिए। सो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, वर्चुअली आप उसको एक्सप्लोर करते हैं। देन यू हैव दिस, और मैं आपको क्या दिखा दूं, गूगल आर्ट एंड कल्चर। तो मैं अपना जीमेल में जाती हूँ एंड वी हैव लिटिल बिट ऑफ टाइम, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सब तो ज्योग्राफी का हो गया, कुछ कुछ रिलेटेड इन जनरल भी है, ये नॉट ओनली ज्योग्राफी। अब जैसे ये डॉट डॉट पे मैंने क्लिक किया, इसमें मैंने थोड़ा स्क्रोल कर रही हूँ मैं थोड़ा, तो ये मुझे मिला, गूगल अर्थ भी मिल गया मुझे और आर्ट्स एंड कल्चर, इस पे मैंने क्लिक किया। आप ऐसे भी जा सकते हैं गूगल आर्ट एंड कल्चर पे। अब इसमें देखिए ये होम, एक्सप्लोर, प्ले, ये सब ऑप्शंस हैं, और अदरवाइज भी आप जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारी चीजें इसमें दिख रही हैं। एक्सप्लोर द एम्पायरिंग स्टोरी ऑफ मेक्सिकोज वुमेन आर्टिसन आर्टिसन एंड आर्टिस्ट, ठीक है। तो आप ये इसको सोशियोलॉजी में, इन सब चीजों में आप यूज कर सकते हैं व्हाइल यू आर शोइंग, या इकोनॉमिक्स में, या कल्चर की जब आप बात करें तो वो आप यूज कर सकते हैं। एक आप जैसे टिपिंग दिखा दी तो उनको ना जनरेट हो जाता है इंटरेस्ट। अब देखिए कलेक्शन है यहाँ पे पोर्टो रिको का, और ये है बहुत सारी चीजें इसमें कलेक्शन है इन चीजों का, आपका म्यूजियम्स वगैरह है इसमें, राइटिंग्स वगैरह है, फ्लोर, रेनेसा फन, ठीक है। ये कुछ फन मोड में डाविंसी स्टिकीज, अलग अलग दिन यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट होता है। तो ये हम देख सकते हैं टुडेज टॉपिक्स, जैसे मैंने बताया अलग अलग दिन अलग अलग रहता है। स्पेंड योर डे इन रियो, इसमें क्या आपको वर्चुअल टूर रियो, रियो डी जनेरियो है ना ब्राजील में, वहां आपको लेके जाएगा। देन उसके बाद फिर सीक्रेट पोर्ट्रेट शगल छगल ये दिखा रहा है, देन वेनिस का दिखाएगा इसमें, पॉप कल्चर है इसमें, देन पेंटिंग्स है इसमें, देन अंडर द सी का पेंटिंग, इन टू द डेजर्ट, ये सब ऑल ये सब भी चीजें, कुछ चूज योर एडवेंचर इसमें कुछ वो भी है। एंशियंट ग्रीस कैसा था, स्टोन एज का, रोमन एम्पायर के बारे में, एंशियंट इजिप्ट के बारे में, ये सब सारी चीजें। टेक अ हाइक, पिक अ ट्रेल एंड टेक अ हाइक, इसमें जाके आप देख सकते हैं पायरीनीज में, लेक डिस्ट्रिक्ट में, माउंट फीजी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, नो हाइक कर सकते हैं इसमें, आउटडोर इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। अब ये तो होम पे था, एक्सप्लोर अगर पे हम अगर क्लिक करें तो ये देखिए 8 कैमरा, 360 डिग्री वीडियोस, इसमें और भी कुछ हो जाएंगे, स्ट्रीट व्यू है इसमें, और नीचे आए तो ये जिसमें आर्टिस्ट, मीडियम, आर्ट मूवमेंट, हिस्टोरिक इवेंट्स, हिस्टोरिकल फिगर्स, ये सब सारी चीजें इसमें दी हुई है। देन यू हैव उसके बाद और भी थीम्स वगैरह हैं इसमें,
बहुत सारी चीजें यहाँ पे, टेस्ट ऑफ चाइना, वर्चुअल म्यूजियम डे आउट, ये सब सारी चीजें जो है आप इसमें एक्सप्लोर देख सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया, वर्ल्ड हैबिटेट है ना, और प्रिजर्विंग आर पास, पाकिस्तान म्यूजियम फूड, म्यूजियम ऑफ फूड बीट एंड बाई बीट, ये म्यूजिक के बारे में है, यू नो बहुत सारी चीजें हैं। देन यू हैव जस्ट कलेक्शंस है म्यूजियम का, ये सब म्यूजियम्स का कलेक्शन, आईफिल टावर, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस का है, देन फ्राइड द म्यूजियम लंडन, फ्राइड म्यूजियम लंडन, यू नो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो आप इसमें आप देख सकते हैं। देन पॉपुलर टॉपिक्स हैं इसमें, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट। सो ये सब आप इसमें देख सकते हो। गेम्स की जहाँ पे मैं बात कर रही थी तो वो मैं इसमें दिखा देती हूँ। प्ले में आप जाएंगे तो बहुत सारे इसमें गेम्स जो हैं वो ऑलरेडी इसमें, ये देखिए आप, ठीक है, बहुत सारे इसमें गेम्स हैं, यू कैन एक्सप्लोर एंड यूज देम फॉर योर ओन पर्पसेस। देन यू हैव, आई थिंक वी हैव लिटिल बिट ऑफ टाइम, तो मैं आपको दिखा देती हूँ वॉटो शो windy.com। जैसे मैंने बताया कि रियल टाइम जो वेदर कंडीशंस हैं वो इसमें दिखते हैं, और ये जो आपको व्हाइट व्हाइट लाइंस मूव करते हुए दिख रहे हैं ये विंड्स हैं, विंड का मूवमेंट है, किधर से कौन से ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है कि वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, ये सब हम इसमें जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम इसमें जूम कर सकते हैं, यहाँ से भी कर, राइट। सो ये हम रियल टाइम अभी जो वेदर कंडीशंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो हम इसमें देख सकते हैं, और इसमें है रडार एंड सैटेलाइट्स हैं, विंड का मूवमेंट तो हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, और जब कहीं पे लो प्रेशर एरिया होगा ना, साइक्लोनिक डिप्रेशन वगैरह, तो बड़ा सुंदर उसमें दिखाई देता है ये। आई एम साउंडिंग लिटिल नार्सिस, मतलब सेडिस्ट की, बड़ा सुंदर लगता है, और बट वहां में बहुत मुश्किल होती है, बट मैं जनरली बता रही हूँ कि अगर आप विंड मूवमेंट वगैरह दिखाना चाहते हैं तो मैं ढूंढ रही हूँ एक्चुअली कोई साइक्लोनिक डिप्रेशन हो तो आई कैन शो यू। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको दिख रहा है, तो ये मूव जो विंड्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है। सो हम कहते हैं कि जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया रहता है वहां से विंड्स जो हैं वो लो प्रेशर एरिया में जाती हैं, तो ये देखिए हाई प्रेशर एरिया है अभी लैंड पे, और यहाँ पे ओशन में वगैरह में लो प्रेशर एरिया है, तो विंड्स जो है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में देखिए फ्लो कर रही है, ठीक है ना। और फिर जब हम टेम्परेचर का अगर देखिए तो जब हम कहते हैं कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन है तो सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन होगा, तो अभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, और यहाँ पे देखिए जब सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ, मतलब साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो वहां पे ये है लिविन माइनस, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड -20 से और उसके बिलो से लेके 40 एंड अबव तक, तो जहाँ ठंडा होगा वहाँ ब्लू ज्यादा होगा और जहाँ गर्म होगा वहाँ पे रेड ज्यादा होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंड एरिया में और पोल्स के पास इट्स कोल्ड, तो सारा वो यहाँ पे पर्पल हो जाता है जब ज्यादा और कोल्ड होता है, तो ये रियल टाइम जो है ये दिखाता है चीजें। देन यू हैव वेव्स, क्लाउड्स, अच्छा वेव्स देख लेते हैं थोड़ा सा। सो ओशन करेंट्स जब हम पढ़ाते हैं तो उस समय हम वेव्स के बारे में पढ़ाते हैं, तो किस तरीके से मूव करती हैं वो सब सारी चीजें इसमें हम देख सकते हैं। गायर वगैरह हम लोग पढ़ाते हैं ना, सर्कुलर मूवमेंट ऑफ ओशन करेंट्स, तो वो सब सारा इसमें, इसके फ्लो में क्वालिटी भी इसमें मोड लेस, ये सब सारी चीजें windy.com पे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ दिखा दूं मैं आपको, एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम, मैम कैन यू टेल अबाउट द स्टोरी मोर दैट यू वर टेलिंग दैट इट हेल्प्स इन मेकिंग लेसन प्लान्स और रेडली अच्छा अवेलेबल सो लेसन टू बी प्लान्स ओके आर देयर। ओके आई आई ओपन दैट।
करो, जस्ट क्लिक ऑन स्टोरी, और ये देखिए प्रेजेंटेशंस फॉर क्लासरूम्स ये आपको मिल जाएगा इसमें। कोलैबोरेटिव प्रेजेंटेशंस फॉर द क्लासरूम, ठीक है। अब इसमें आप यू कैन एक्सप्लोर, जैसे इसमें दिया हुआ है फॉर सोशल स्टडीज टीचर्स, ठीक है। आप इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी एक्सप्लोर करने की, ठीक है। परफेक्ट फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी, ये देखते हैं, ये देखते हैं। सब इसमें देखते हैं टीचर्स के लिए मेन, हम होम पेज पे गए और फॉर टीचर्स हमने चेक किया। इसमें क्या है, टीचर्स का प्रेजेंटेशन, स्टूडेंट प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, नाउ गाइड द लर्निंग प्रोसेस, इसमें है कुछ अटैचमेंट्स वगैरह, आइडियाज एंड लेसन प्लान वगैरह जो है, ये फाइंड सम इंस्पिरेशंस टू फीचर्स इसमें अलग अलग ना। मैं बहुत सारी चीजें मैं बताई हूँ आपको, रियल टाइम कोलैबोरेशन कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, देन यू हैव कम्युनिकेशन सेशन जो है वो है, प्रेजेंट इन स्टाइल, ये सब ना आपको ऑप्शंस दिए हैं। राइट, थोड़ा आज प्रॉब्लम कर रहा है, ये सब आपको इसमें एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा क्लिक कर करके। स्टोरी जो है ये इसमें टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है, राइट। और देन सो देन यू हैव ऑल, मैंने क्या बताया था, सिटी और ये सब तो आप लोगों ने एक्सप्लोर किया ही है। फिर आई थिंक अब हम लोग का ब्रेकआउट रूम का सेशन भी बंद होगा मे बी, सो आई थिंक आई स्टॉप हियर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, और किसी को कुछ शेयर करना है तो वो भी कर सकते हैं, इफ एनीबडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग विद अस, किसी ने कोई टूल एक्सप्लोर किया हो तो वो शेयर कर सकते मैम, हैं कैन आपको। यू सजेस्ट सम गेमिंग ऐप आल्सो फॉर द सोशल साइंस और ज्योग्राफी? मैम जियो गैसेट वगैरह जो है और वो आप यूज कर सकते हैं उसमें, और उसमें जो मैंने बताया था कि नेशनल ज्योग्राफिक किड्स जो है वो भी है, और ऐप बहुत सारे हैं, मैंने डाउनलोड नहीं किए हैं बिकॉज आई डोंट वांट माय चाइल्ड टू गेट यूज टू ऑफ यू नो मोबाइल, तो मैंने नहीं किए हैं दोषी।